हमारे लक्ष्य पहाड़ जितने ही बड़े क्यों ना हो, हमारे हौसले हमें दशरथ मांझी बना सकती है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सिर्फ तीन बातें मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफी हैं, मजबूत इरादा, पक्का वादा और मेहनत ज्यादा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नमस्ते मझियाव यूट्यूब चैनल पर मयंक दुबे। आज मैं फिर से हाजिर हूं एक जबरदस्त वीडियो के साथ। हाँ तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं सेल्फ स्टडी की। यहां सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि सेल्फ स्टडी है क्या। आप लोग स्कूल या कोचिंग में वो पढ़ते हैं जो आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन जब आप घर में या लाइब्रेरी में अपने मन से अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई करते हैं तो वो होता है आपका खुद का सेल्फ स्टडी। मैं इस वीडियो में यह बताऊंगा कि सेल्फ स्टडी किस तरीके से करना है, किस तरीके से आप सेल्फ स्टडी को अफेक्टिव बना सकते हैं। अभी लॉकडाउन में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद पड़े हैं, तो ऐसे समय में सेल्फ स्टडी और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यदि आप अच्छे तरीके से अफेक्टिव सेल्फ स्टडी करोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और यदि सेल्फ स्टडी में ढिलाई करोगे, जैसे तैसे सेल्फ स्टडी करोगे, तो निश्चित ही मौके आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सेल्फ स्टडी को अफेक्टिव बनाने के तरीकों की। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी तरीका है सेल्फ स्टडी के लिए सेल्फ टाइम टेबल। यहां आपको ये तो निश्चित करना ही है कि कब कब किस समय पढ़ाई करना है, लेकिन साथ ही आपको ये भी तय कर लेना है कि किस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप भी उस भीड़ में जा खड़े होंगे जिस भीड़ का नाम है व्हाट टू रीड इज अ प्रॉब्लम, यानी कि क्या पढ़ें यह एक समस्या है। तो दोस्तों, ये बात आप नोट कर लीजिए कि सेल्फ स्टडी को अफेक्टिव बनाने का पहला और सबसे अफेक्टिव तरीका है अफेक्टिव टाइम टेबल। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। जब आप टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ना शुरू करते हो तो खुद को मशीन नहीं बना लेना है। यदि आपने 2 बजे से 4 बजे तक का समय पढ़ने के लिए तय किया है तो आप 2 बजे से 4 बजे के बीच 2 या 3 छोटे छोटे ब्रेक अवश्य लें। इन छोटे ब्रेक का इस्तेमाल आप पानी पीने या आंखों को आराम देने के लिए कर सकते हैं। आंखों को आराम कैसे देना है, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो यहां आप दूसरे तरीके के तौर पर यह नोट कर सकते हैं कि सेल्फ स्टडी के बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक जो 3 से 4 मिनट का हो सकता है लेते रहना है। इससे होगा क्या कि आपका दिमाग रिफ्रेश होते रहेगा और आपकी विषय वस्तु अच्छे से याद होती चली जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे तरीके की। यदि आप सेल्फ स्टडी पर फोकस कर रहे हो तो वे सभी बुक्स आपके पास होनी चाहिए जो आपके लिए उपयोगी है, यानी कि आपको बुक्स खरीदने में किसी भी प्रकार का कंजूसी नहीं करना होगा। सेल्फ स्टडी करने वालों के लिए बुक्स ही वो हथियार है जो आपको किसी भी परीक्षा युद्ध में हारने नहीं देगा और आप विजय होकर अपने गोल को अचीव कर लोगे। अब बात कर लेते हैं चौथे तरीके की। इस तरीके में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आपको अपने हथियार यानी कि बुक्स को अपने स्टडी रूम में अच्छे से अरेंज करके रखना है और हर रोज सोने से पहले आपको बुक्स अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दिन भर की पढ़ाई के बाद आपकी पुस्तकों का इधर उधर बिखराव निश्चित है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका स्टडी टाइम बुक्स खोजने में व्यर्थ चला जाए। बुक्स अरेंज करने में लगा 30 से 40 सेकंड का समय आपके कई मिनट बचा सकता है। चलिए अब बात करते हैं उस पांचवें तरीके की जो निश्चित ही आपके सेल्फ स्टडी को अफेक्टिव बना देगा। इसमें आपको करना यह है कि जब भी आप
इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, विज्ञान या किसी भी सब्जेक्ट का बुक रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसका नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स कैसे बनाना है ये ध्यान से सुन लीजिए। आप जब भी बुक पढ़ने बैठें, साथ में पेंसिल जरूर रखें और बुक पढ़ने में जो भी इम्पोर्टेंट लाइन आपको मिले उसे अंडरलाइन कर दें और नोटबुक में अंडरलाइन पॉइंट को नोट कर लें। इससे आपको दोहरा फायदा हो जाएगा, नोट्स तो बन ही जाएगा, साथ ही अगली बार जब आप एग्जाम के समय उस बुक को दोबारा रीड करोगे तो आपको सिर्फ अंडरलाइन वाले भाग को पढ़ना है, जिससे कम समय में ही आप पूरी किताब पढ़ सकते हैं और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सकती है। आजमा के देख लेना इसको। ऐसा करने के बाद आप जिस चैप्टर को पहली बार पढ़ने में 2 घंटे का समय लिए थे, दोबारा आप उस चैप्टर को मात्र 15 मिनट में खत्म कर देंगे। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप एक बार करके देखिए, उसके बाद आप कहेंगे कि मयंक सर ठीक कह रहे हैं या नहीं। चलिए अब बात करते हैं छठे सेल्फ स्टडी ट्रिक्स की। ये ट्रिक्स उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो यह कहते हैं कि उन्हें पढ़ा हुआ चीज याद ही नहीं रहता। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। आप लोग जब भी भूगोल का अध्ययन करें तो पास में एटलस बुक जरूर रखें, जिससे आप स्टडी के साथ साथ मैप में विषय वस्तु को देखते चलें। इससे आप पढ़ा हुआ चीज कभी भूलेंगे नहीं। आप जब भी इतिहास का अध्ययन करें तो नोट्स बनाने के साथ साथ कुछ जरूरी डेट्स, ईस्वी सन या किसने कौन सा काम स्पेशल किया है का चार्ट बना लें और उसे स्टडी टेबल के सामने दीवार पर लगा दें, जिससे आपकी नज़रें चार्ट पर पड़ती रहेंगी और आप उन डेट्स, ईस्वी सन को कभी भूलोगे नहीं। आप अपनी सिलेबस का भी चार्ट बनाकर अवश्य रखें, ताकि आप अपनी तैयारी को गलत दिशा में मुड़ने से रोक सकें। ऐसा आप साइंस विषय के साथ भी कर सकते हो। साइंस में पीरियोडिक टेबल या किसने किसकी खोज की या किसने कौन कौन सा सिद्धांत दिया है का चार्ट बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा साइंस का अच्छा सा नोट्स तैयार करके अध्ययन करना। चलिए अब बात कर लेते हैं 7वें नंबर के सेल्फ स्टडी ट्रिक्स की। सेल्फ स्टडी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। आप जितना ज़्यादा सेल्फ स्टडी को टाइम दोगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। अपने गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा फायदा आपको तब होगा जब आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देंगे। लेकिन आपकी समस्या है, आप जैसे ही पढ़ने बैठते हो कुछ देर के बाद ही आपको नींद आने लगती है या आँख से आंसू आने लगते हैं या आप बोर हो जाते हो और सेल्फ स्टडी बीच में ही छोड़कर सो जाते हो। लेकिन इस छोटे से वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी समस्याएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। मैं यहां आपको कुछ ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिससे आप घंटों घंटे तक सेल्फ स्टडी करने लगोगे, बिना किसी दिक्कत के ही करने लगोगे सेल्फ स्टडी। सबसे पहले तो आपको बेड पे बैठ के या लेट के पढ़ने की आदत को जान से मारना होगा। याद रखिए, हमेशा आपको टेबल कुर्सी के सहारे बैठकर ही पढ़ना है। अगर टेबल कुर्सी नहीं है तो जमीन पे बैठ के पढ़ना ज़्यादा फायदेमंद है। दूसरी बात, पढ़ाई के बीच बीच में थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें, जिससे आपके दिमाग को रिलैक्स फील होगा और आपको नींद नहीं आएगी। आप एक गलती करते हो, आप पढ़ाई के दौरान मोबाइल फोन या टेलीविज़न के बारे में सोचते हो, इससे भी आपका माइंड स्लीपिंग मोड में जाने लगता है। इसलिए पढ़ाई के दौरान मोबाइल को अपने से दूर रखें या मोबाइल को फ्लाइट मोड में करके रखिएगा तो नोटिफिकेशन का बीप साउंड आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैंने आपको पहले ही एक सलाह दिया है कि पढ़ाई के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, लेकिन मेरी एक बात का जरूर ख्याल रखना, इस छोटे से ब्रेक का इस्तेमाल आप टहलने
या अपने फैमिली मेंबर से बात करने में ही व्यतीत करना। यदि आप इस ब्रेक का इस्तेमाल मोबाइल यूज या टेलीविजन देखने में करने लगे तो आपका छोटा ब्रेक कब बड़ा बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और इससे आपका माइंड रिफ्रेश भी नहीं होगा और आपको नींद आने लगेगी और आप अपनी सेल्फ स्टडी को बर्बाद कर दोगे। जो पढ़े थे वो भी भूल जाओगे। ये सब तो आपको पता ही होगा कि सेल्फ स्टडी में ज़्यादा टाइम देने के लिए खुद को फिट रखना सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा, और सबसे ज़रूरी बात, स्टडी के दौरान आपको अपनी आँखों का भी विशेष ख्याल रखना होगा, वरना आपके आंखों पर चश्मा चढ़ते देर नहीं लगेगी। सेल्फ स्टडी के दौरान आंखों का ख्याल कैसे रखना है, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से यह वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में आंखों को चश्मे से छुटकारा दिलाने वाला एक आसान फार्मूला भी बताया गया है, इसलिए आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। और भी कई तरीके हैं जिससे स्टडी के दौरान नींद नहीं आएगी, जैसे बीच बीच में चॉकलेट चूसना या च्विंगम चबाते रहने से भी आपको पढ़ाई के दौरान नींद नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं ख़त्म। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ होगा, इससे आप अपनी सेल्फ स्टडी को स्मार्ट तरीके से करने लगोगे और मंजिल आपके नज़दीक आते जाएगी। जय हिंद दोस्तों, जल्द ही फिर मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो के साथ।